Hello students. Welcome back to you in B a previous class of English literature. In today's session, I am going to describe your first paper poetry, the Ode. In this session, I will describe you what is Ode and how many types of wood and uh, how many parts of pindari code. okay, let's start. the ode. the ode is a dignified lyric which was originally a choral song, often comparatively longer than a lyric. it describes elaborately in formal language the feet of god,

ये ग्रीक के जो एक पोइट थे पिंडार उन्होंने इसको इन्वेंट किया था पोएम्स फर्स्ट रिटर्न अबाउट इंपॉर्टेंट पीपल इवेंट्स और जो पोएम पहले लिखी जाती थी वो इम्पोर्टेंट पीपल इवेंट्स और थिंग्स के बारे में लिखा नाउ पोएम्स आर रिटर्न अबाउट ऑर्डिनरी पीपल और इवेंट करेक्टरिस्टिक्टिस्टिक क्या होती है रिटर्न टू प्रेस समथिंग और जो लिखा जाता है वो किसी को प्रेस करने के लिए लिखा जाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए लिखा जाता है चाहे वो ऑब्जेक्ट हो पर्सन हो प्लेस हो या फिर कोई इवेंट हो ये किसी न किसी की तारीफ में ही लिखा जाता है उसके गुणगान में ही लिखा जाता है डज नॉट हैव टू राइम इसमें राइम नहीं होता है कैन बी ऑफ वेरियस लेंथ और इसकी लेंथ भी डिफरेंट डिफरेंट होती है ऑफन इंक्लूड्स एक्सप्लेन्स Can include metaphor or simile to create a vivid visual. How to link to everyday life? We all have people or places we admire or things we like. We can share our admiration about someone. Or something to to everyone. Oats are one way to express how we feel about them. अगर हम इसको अपनी डेली लाइफ से जोड़ना चाहें तो देखिए तारीफ सुनना और करना दोनों ही अपने आप में एक आर्ट होती है किसको अपनी तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगेगा सभी को अच्छा लगता भाई और अगर ऐसा नहीं कि आप अपनी लाइफ में किसी की तारीफ करते नहीं हो किसी चीज को जब कुछ आपको अच्छा लगता है आप उसकी तारीफ करते हो जब कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगता है तो आप उसको एडमिर करते हो तो ये सब को हम किस तरह से इन सब को हम ओट के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं इससे हमारी लिटरेरी जनर भी अलाइव रहेगी और हमारे अंदर भी पोएटिक एबिलिटी डेवलप होगी व्हाई शुड वी व्हाई वी शुड टीच इट Allow student to think in depth about a certain. आप सभी को बहुत गहराई से सोचना चाहिए किसी चीज के बारे में ऑब्जेक्ट के बारे में इवेंट हो पर्सन हो प्लेस हो इनमें सब किसी के बारे में बहुत गहराई से सोच सकते हो अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्रेस their फीलिंग्स यूजिंग ए स्ट्रोंग डिस्क्रेप्टिव वर्ड्स आप लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए स्ट्रोंग और डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स का यूज करें स्टूडेंट लर्न अबाउट सिम्बलीज एंड मेटाफोर अगर आपको सिम्बली और मेटाफोर का यूज करना नहीं आता है तो उसको भी आप सीख लें टीडेंट पर अलाउज अस एज टीचर टू लर्न वॉट अवर स्टूडेंट वैल्यू इन लाइफ एंड वाई स्टूडेंट की क्या वैल्यू है लाइफ में और क्यों है ओके okay, इस चीज को भी लर्न करें आप लोग बाउट टाइप्स ऑफ ओट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ओट देखिए फर्स्ट आप देख रहे पिंडारिक ओट पिंडारिक ओट क्योंकि पिंडार जो पोइट थे उन्हीं ने इसको किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर रखा गया और नंबर टू आपका है इेगुलर ओड चलिए पहले बताते हैं आपको पिंडार ओट के बारे में पिंडारिक ओट में क्या होता है परफॉर्म विथ अ कोरस एंड डांसर्स ये परफॉर्म किया जाता है कोरस क्या होता है ग्रुप ऑफ पीपल हुर सिंगिंग लोगों का झुंड जो कि गाना गा रहा होता है ग्रुप होता है इन लोगों का वो डांस कर रहा होता है गाना गाते गाते मेड अप ऑफ थ्री पार्ट इसके भी थ्री पार्ट होते हैं अ फॉर्मल ओपनिंग अडल सेक्शन दैट मिर दैट द ओपनिंग इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म एंड लेंथ एंड फाइनल क्लोजिंग सेक्शन

इेगुलर ओट क्या होता है कंटेन्स द टोन एंड थीम्स ऑफ द अदर टाइप ऑफ ओड्स बट द फॉर्मेट कोड फॉलो वेरियस ऑप्शन ओके इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका टाइप है वो है आपका पिंडारी कोड तो चलिए हम आपको पिंडारी कोड में जो थ्री पार्ट्स होते हैं उनके बारे में भी बता

च कॉरेस्पोंड टू द्री मूवमेंट ऑफ द क्रॉनिक डांस जो कि क्रॉनिक डांस होता है इसमें द फर्स्ट टू पार्ट हैव समर ऑफ लाइन्स टाइम स्कीम एंड मेटेरिकल मैट्रिकल अरेंजमेंट बट द लास्ट वन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डैम इन दिस रिस्पेक्ट ग्रेस बार्ड द प्रोग्रेस ऑफ बोज बिलोंग टू दिस क्लास की जो ये पोयम है ये इसको क्लास को बिलोंग करती है इसके बाद अगर हम होरेशन ओड की बात करते हैंक जो एक रोमन uh, पोइट थे उनके नाम पर पड़ा हुआ है इट इज सिंपल इन इट्स कंस्ट्रक्शन इट कंजेस्ट स्टेंजर इन द सेम द होरेशियन ओड वॉज फर्स्ट रिटर्न And developed in Italy. In the uh, the famous ode, upon Cromwell written from Ireland by Andrew marvel belong to this kind of lyric poem. ye jo aapke important think थीं जो ode के बारे में types और पिंडारी ode के जो type होते हैं, देखिए पिंडारी ode के जो type होते हैं, उनको भी काफी पूछा जाता है। कि कौन कौन से थे वो आप नोट कर लीजिएगा इस्ट्रोपी एंटी एंड इपोड ये थ्री पार्ट होते हैं पिंडारी कोड के पिंडार पोइट के नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है होरेसियन ओड आपके होरेक पोइट के नाम पे पड़ा हुआ है जिसकी सबसे पहले इसकी बिगनिंग कहाँ हुई थी इटली में हुई थी ये सब चीजें होती हैं जिनके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर हम रेगुलर आपके इररेगुलर ओड की बात करते तो द इरेगुलर ओड इज रिटर्न In stanza of irregular length and arrangement, it is generally rhymed. Its variations in meter and condense are never meaningless or arbitrary. They have a certain definite artistic purpose to serve. The irregular ode is characterized by the outwards of the visual signs of corresponding variations in feelings or thoughts. वर्स ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी इज अ मास्टर पीस ऑफ दिस टाइप ऑफ ओड ओके आई थिंक बेटा आप लोगों को ये ओड ओड के टाइप और इसके टाइप में भी जो पार्ट होते हैं वो मैंने बता दिए हैं और इसका मीनिंग ये सभी समझ में आ गए होंगे और आपके जो सिलेबस में रखा गया है वो है ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस ओड है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी ओके थैंक यू हैव नाइस डे